हे गाइस, तो हमारे पास आ चुके हैं पर टोटल 3 E-88 ड्रोन एंड तीनों ड्रोन को हम लोग गाइस एक ही रिमोट से फ्लाई करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग यहाँ पर फ्लाई करके देखेंगे कैसे ये फ्लाई होते हैं एक ही रिमोट से, तीनों ड्रोन जो है कितने बढ़िया कंट्रोल में रहते हैं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा। काफ़ी कुछ करने वाले इन तीनों ड्रोन के साथ, सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। एंड इन तीनों की जो ओरिजिनल बैटरी है वही एक एक डली हुई है इसके अंदर, तो बैटरी बैकअप भी आपको पता चल जाए कितना कितना ये सब दे रहे हैं और कितना स्टेबली ये लोग एक रिमोट से उड़ पा रहे हैं। एक रिमोट से तो अगर हम एक कोड आते तो काफ़ी स्टेबल उड़ता, मैंने आपको दिखा रखा, बट एक से तीनों कोड आएंगे देखते कितना स्टेबल उड़ता है एंड क्या ही सही तरीके से उड़ पाएंगे अपनी, वो सब कुछ दिखाऊंगा। सो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो में आपको कौन सा ड्रोन चाहिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर से बताना। भाई फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे। सोचा सबसे पहला ड्रोन, ठीक है, इसे हम निकाल लेते हैं बाहर, बारी बारी करके हम लोग गाइस सभी ड्रोन्स को निकालेंगे सबसे पहले तो बाहर। एंड ये हमारा सबसे पहला E-88 ड्रोन एंड इसकी बैटरी, बैटरी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं एंड ड्रोन को भी बाहर निकाल लेते हैं और रिमोट को, ठीक है। बाद सेकेंड ड्रोन क्या आप लोग देख सकते हो, तो इसे भी हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड ये कुछ इस तरीके से होगा एंड सो हमने निकाल लिया, ठीक है, और इसे भी निकाल लेते हैं इस ड्रोन को। सो गाइस हमारा थर्ड ड्रोन ये रहा E-88 एंड इसे भी हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं एंड ये रहा हमारा थर्ड ड्रोन। सो गाइस हमने तीनों ड्रोन तैयार है और तीनों ड्रोन की बैटरी ये रही एंड सबकी ओरिजिनल वाली बैटरी आप लोग देख सकते हो एंड हमने इसे कभी यूज़ नहीं करा एंड ये जो ड्रोन है हमारे पास कल ही डिलीवर हुए हैं, ठीक है, और बाकी एक ही रिमोट है हमारे पास देख लो एंड इसके अंदर बैटरी डली पड़ी है। फटाफट तीनों को मैं करता हूँ अनफोल्ड एंड इनकी बैटरीज को मैं लगाता हूँ और हम लोग इनका करते हैं फटाफट फ्लाई। एंड गाइस हम लोग करते हैं फटाफट इन तीनों को फ्लाई। देखो मैं यहाँ पर इस बैटरी को पहले लगाता हूँ, लग गई एंड सेकंड ड्रोन की बैटरी एंड सेकंड ड्रोन को पहले अनफोल्ड करते हैं हम लोग फटाक से एंड इसकी जो बैटरी है उसे लगाते हैं। ये लो लगा दी एंड थर्ड ड्रोन अपना तैयार है, ये लो भाई, एंड इसकी जो बैटरी है वो हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है, ये देख सकते हो। तो तीनों ड्रोन अपने गाइस रेडी हैं, ठीक है, चलो गाइस ले चलते हैं नीचे और करते हैं फ्लाई। गाइस ये अपने तीनों ड्रोन फटाफट ये रखते हैं अपनी जगह पे एंड थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के साथ रखते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे से टकराए ना, ठीक है। एंड ये अपना थर्ड ड्रोन, अब इन तीनों को बारी बारी करके हम करते हैं ऑन। पहला ड्रोन ऑन हो चुका है, दूसरा ड्रोन भी ऑन हो चुका है, तीसरा ड्रोन भी अपना ऑन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अपने तीनों ड्रोन है तैयार एंड हम फटाफट इन्हें कर लेते हैं ऑन एंड देख लो तीनों गाइस एक साथ हो चुके हैं पेड़। देख लो अगर आप लोग यहाँ पे तीनों की जो लाइट्स है वो ब्लिंक होना बंद हो चुके हैं, इट मीन्स कि तीनों ड्रोन अपने पेड़ हो चुके हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर का काफ़ी एक साथ उड़ाए हैं बट ड्रोन पहले उड़ा रहे हैं, ठीक है। एंड देख सकते हो गाइस यहाँ पे अपनी जो तीनों ड्रोन है गाइस को फ्लाई करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस चलो यार करते हैं ना फ्लाई, करके छोड़ दो। तो गाइस चलो करते हैं तीनों अपने ड्रोन को एक ही रिमोट से फ्लाई एंड वीडियो को कर दे शुरू फटाफट। तो चलिए करते फ्लाई एंड देख सकते हो तीनों हमारे जो है रेडी हैं ड्रोन, देख सकते हो तीनों कनेक्ट हो चुके हैं अपने एक ही रिमोट से। सो सिंपल हमें पहले तो मैं इन्हें कैलिब्रेट कर देता हूँ, ठीक है, कैलिब्रेशन के लिए आपको सिंपल इन दोनों को एक साथ करना है। देखो तीनों ड्रोन एक साथ ब्लिंक करके बंद हो चुके हैं, इट मीन्स कि तीनों ड्रोन जो है कैलिब्रेट हो चुके हैं। कैलिब्रेट करने से क्या होता है, आपकी जो ड्रोन है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाते हैं एंड काफ़ी स्मूथ फ्लाइट देते हैं आपको। तो चलो करते हैं फ्लाई एंड बढ़ते हैं आगे।
गाइस एक चीज़ है, तीनों ड्रोन को एक साथ यार कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यार जब ये उड़ते हैं ना एक साथ तो इधर उधर डायरेक्शन में थोड़े बहुत हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम लोग अगेन करके देखने का फ्लाई एक साथ। कंट्रोल कनेक्ट, ठीक है, देख सकते हो आप लोग तीनों टाइम फोन अपने हो चुके कनेक्ट। नोट करते फ्लाई एक साथ, तीनों हमारे हो चुके कनेक्ट। ठीक है, चलो कि नहीं करते आगे फ्लाई। ठीक है, इस बार ट्राई करेंगे सही से फ्लाई करें। गाइस एक ड्रोन हमारे स्क्रीन फ्लाई कर रहा है, रिकॉल का आ गया। तो गाइस हमारा ये वाला जो ड्रोन है गाइस जो अभी भी फ्लाई कर रहा है, देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया फ्लाई कर रहा है। तो हमने ड्रोन के नंबर नहीं डाल के, वरना विनर होता है। ठीक है, ये वाला ड्रोन विनर होता है, पिछले राउंड में पता नहीं कौन सा हुआ, पता नहीं चल रहा है। बट देख सकते हो आप लोग तीनों ड्रोन को एक साथ कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमने यहाँ पर फिर भी आपको फ्लाई करके दिखाया। ठीक है, बट गाइस इन ड्रोन को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन एक साथ बहुत सारे जो ड्रोन है ना यार रिमोट भी सही तरीके से सिग्नल ना देता है, तीन तीन एक साथ हो रहे तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फ्लाई सही तरीके से करें, देखते हैं आप लोग। इसको गाइस हम लोग नीचे उतारते हैं एंड एक बार और ट्राई करते हैं, थर्ड ट्राई करते हैं अपना तीनों एक साथ फ्लाई करने का, क्योंकि यार हमारा जो मिशन है इस वीडियो के अंदर वो तीनों का एक साथ सही तरीके से फ्लाई करना है। चलो आगे करके देखते हैं। तो गाइस थर्ड राउंड के लिए अपने तीनों जो ड्रोन हैं वो हैं तैयार। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे इनके ऊपर कुछ साइन लगाऊं। ठीक है, चलो यार साइन के लिए मैं यहाँ पर टूल से करता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी वन इसमें वन मैंने लिखा, पता नहीं मिटेगा या नहीं। ये इसके ऊपर मैंने टू लिख दिया, थोड़ा बहुत तो रहेगा ये। इसके ऊपर थ्री लिख दिया। ठीक है, देख लो गाइस तीनों ड्रोन अपने वन टू थ्री रेडी हैं, इस पर वन, इस पर टू, इस पर थ्री। इस बार देखते हैं गाइस तीनों में से कौन सा यार सबसे ज़्यादा टाइम तक फ्लाई कर पाता है। चलो यार अगेन करते हैं इन तीनों को फ्लाई एंड देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये वाला अपना जो ड्रोन है गाइस चलो गाइस करते हैं इन तीनों को फ्लाई एक साथ। बाकी दो तो यार निकल चुके हैं रेस से बाहर। एक ड्रोन अपना उस साइड है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी लाइट जल रही है, और एक ड्रोन अपना यहाँ पे ही है। ठीक है, बट ये वाला जो ड्रोन अपना वो स्टिल फ्लाई कर रहा है। चलो इसे रखते हैं, इसे थोड़ा सा करते हैं फ्लाई। तो ये अपना सेकंड नंबर का ड्रोन गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये अपना सेकंड नंबर का ड्रोन है। नहीं, थर्ड नंबर वाला ही है,
ये थर्ड नंबर वाले ये सेकंड वाले सेकंड ये थर्ड इसको डाला ये देखो गाइस ये सेकंड नंबर वाला अपना ड्रोन ठीक है जो कि अभी तक काफ़ी बढ़िया फ्लाइट कर रहा है। तो इस वाले राउंड का थर्ड राउंड का विनर है अपना सेकंड वाला ड्रोन। बट बाकी राउंड से हमने ये लिखा नहीं था कि कौन सा ड्रोन कौन सा नंबर का। चलो इसे करते हैं नीचे मतलब लैंड करते हैं एंड एक बार और करते हैं ठीक है। चलो एक बार दो को एक साथ ट्राई करके देखते हैं ठीक है। दो ड्रोन अपने कितने स्टेबल ट्राई करते हैं। इस बार अब दो हैं तीन नहीं हैं तो इस तीनों का ना एक साथ रखता हूँ ताकि भाई ये ना कोई बोले कि चीटिंग करा है मेरे साथ ठीक है। सेकंड नंबर ड्रोन थर्ड नंबर ड्रोन चलिए करते एक साथ टेक ऑफ एंड देखते हैं कितना स्मूथ दोनों फ्लाइट होते हैं। और ये अपना शायद थर्ड नंबर वाला ड्रोन है जो कि अभी तक लेस से उड़ रहा है ठीक है। हल्की फुल्की बैटरी बची है क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी तक तो ड्रोन सही फ्लाई कर रहा है। गाइस यहाँ पे आपने देखा हमारे तीनों जो ड्रोन है वो काफ़ी सही फ्लाई मतलब कर रहे थे ठीक है। बट तीनों को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल है तो आप लोग या एक बार में एक ही फ्लाई करो। सेकंड वाला जो हमारा ड्रोन उसने काफ़ी सही फ्लाई किया ठीक है। बट अब उसकी जो बैटरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में भी उसने बढ़िया परफॉर्म किया था क्योंकि ये भी रीज़न हो सकता है कि वो बीच में था तो आराम से मतलब उसे जगह मिली थी और ये दोनों साइड में थे तो ये दोनों इधर उधर चले जा रहे थे। बाकी बीच वाला ड्रोन बिल्कुल सही तरीके से जा रहा था। बाकी यार आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में दोस्तों बताना एंड ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि यार आप लोगों को वीडियो में मजा आ सके। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो मेरी तरफ से एक लाइक करना अपने किसी भी दोस्त को शेयर कर देना वीडियो। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।